बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बुसार ब्रिक्स को देखने वाले तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये जो थोड़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके सामने ईंटें सर्वाइव कर पाती हैं या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरन मिल सकें। तो चलते हैं, एक अवल ईंट लेते हैं, एक खिंगराली और एक दो मीट लेते हैं। सबसे पहले हम डेढ़ से दो मीट उठा लेते हैं, उसके बाद खिंगराली ईंट उठा लेते हैं। अगले ढेर से अवल ईंट उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये वाली ईंटें हथौड़े के सामने सरवाइव कर पाती हैं या नहीं। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. दो मीट, उसके बाद ये वाली है खिंगराली ईंट और आखिर वाली ये अवल ईंट है। और अभी चलते हैं, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले दो मीट को थोड़े से तोड़ते हैं। दो मीट तो बिल्कुल ही हथौड़े के सामने ठहर नहीं पाई और ये बिल्कुल चूरा चूरा हो गई। अभी लेते हैं खिंगराली ईंट, वो हथौड़े के सामने सरवाइव कर पाती है या नहीं। चल मौली। ये तो बिल्कुल ही सरवाइव कर नहीं पाई और चूरा चूरा हो गई। अभी लेते हैं अवल ईंट और देखते हैं कि अवल ईंट भी हथौड़े के सामने सरवाइव कर पाती है या नहीं। चल इस हथौड़े ने तो अवल ईंट को भी नहीं बख्शा और उसका भी चूरा चूरा बना दिया। मौजूद दोस्तों, ये देखें, तीनों ईंटों का मलबा पड़ा हुआ है और ये हथौड़े के सामने बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाई हैं। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। अलग मज़ीद खबरें और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basalbrickfactory और फेसबुक पेज बसाल ब्रिक फैक्ट्री भी विज़िट कर सकते हैं। बसाल ब्रिक्स देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।